Hello everyone, welcome to Action Institute, and this is the third lecture of chapter States of Matter. In previous lecture, we have already studied about all types of van der Waals forces. In this lecture, we will start gaseous state, that what is gaseous state, what are the properties of gaseous state, and then we will cover the important phenomena related to the gaseous state like gaseous laws and kinetic molecular theory of gases. Okay, so let's start by studying gaseous state. What is gaseous state? So हम लोग gaseous state बहुत ही junior classes से पढ़ते आ रहे हैं कि gaseous state की properties क्या क्या होती हैं. तो the physical property of gaseous state हम लोग जानते हैं क्या है. Gases do not have any fixed shape or fixed volume. गैसेस का कोई भी फिक्स शेप या कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता. ये हमें बहुत पहले से पता है, जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप उस कंटेनर के अकॉर्डिंग होगा और वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा. ये बात हमें ध्यान रखनी होगी. लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन गैसेस के केस में वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता. जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस. अगर हम इस एक रूम में अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स चाहे कितने भी ज़्यादा है कितने भी कम है, गैस के कितना भी अमाउंट लेते हैं और अगर एक रूम में हम उस गैस को छोड़ देते हैं तो उस पूरे वो जो पूरा गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेपरेट होगा और उसका वॉल्यूम उस पूरे रूम के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा. तो गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. It takes the shape of the container and it takes the volume of the container in which it is filled. Okay. Next, देखते हैं. तो gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid. हम किसी भी gas को आपस में आसानी से mix कर सकते हैं और जो mixture होगा, जो mixture बनेगा gases का, वो uniform बनेगा without any बिना किसी बाहर के agent के use किए. विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एड और एजेंट हम लोग गैसेस को आसानी से मिक्स कर सकते हैं. उसका एग्जाम्पल है एयर. हमारे एनवायरमेंट में जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलकर बना है, मतलब ढेर सारे गैसेस उसमें मिक्सड हुई हैं. तो ये जो मिक्सचर बनता है इवेनली होता है, यूनिफॉर्मली होता है. हम ऐसा बिल्कुल बता नहीं सकते कि एयर के किस पार्ट में कौन सा पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट है, क्योंकि जो गैसेस मिक्सड होती हैं एयर में वो यूनिफॉर्मली मिक्स होती हैं. तो गैसेस के पास ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल डायरेक्शन. ये यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, हर तरफ से हर डायरेक्शन में इक्वली मिक्स होते हैं. अगर किसी भी दो गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं तो दोनों गैसेस एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी, उसमें किसी भी तरीके की कोई सेपरेशन नहीं पाया जाएगा. सो गैसेस हैव अ यूनिक टेंडेंसी टू मिक्स इवनली इन इक्वल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड या विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स. ठीक है, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखा दैट गैसेस डू नॉट हैविंग फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम एंड गैसेस हैव प्रॉपर्टी टू मिक्स इक्वली इवनली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल एड. ओके, ये हमने देख लिया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दैट द डेंसिटी इज मच लोअर देन द सॉलिड एंड लिक्विड. गैसेस की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत कम होती है. अभी डेंसिटी क्या होती है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है या एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का क्राउडनेस है. द क्राउडनेस पर यूनिट वॉल्यूम या द क्राउडनेस पर यूनिट एरिया डिफाइंस द डेंसिटी. एक पर्टिकुलर यूनिट में, एक पर यूनिट एरिया में कितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल का क्राउडनेस है, दैट डिफाइंस द डेंसिटी. अगर एक यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर एक यूनिट एरिया में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी. तो गैसेस की बात करें तो हमें पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहते हैं. तो अगर हम पर यूनिट एरिया में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे इन कंपैरिजन टू लिक्विड या सॉलिड, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं. तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, मतलब क्राउडनेस बहुत ज़्यादा होगी सॉलिड और लिक्विड में, जबकि गैसेस में क्राउडनेस कम होगी क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं.
So due to less crowdedness, the density of gases will be less, ठीक है, और solid and liquid की इनसे ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा density solids की होगी क्योंकि इनमें crowdedness एक unit area में बहुत ज्यादा होती है. Next property हम देखते हैं, they are highly compressible and exert pressure equally in our direction. अब gases के intermolecular space बहुत ज्यादा होता है, मतलब molecules एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं. तो यही रीजन है कि गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं. कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम फोर्स लगाएं तो उनके बीच जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है. तो जिनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स, जिनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी उतना ज्यादा होगा, हम उनको उतना ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं. तो क्योंकि इनके बीच, इनके पार्टिकल्स के बीच, गैसेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सब के बीच देखिए गैप बहुत ज्यादा है, तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, इनपे फोर्स लगा के उस इंटरमॉलिकुलर स्पेस को कम कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है. और जब हम इनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कैसे करेंगे, जब हम इनपे फोर्स लगाएंगे, मतलब पर यूनिट एरिया पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो इन पे क्रिएट होता है प्रेशर, और वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है. तो अगर कोई गैस प्रेशर लगा रहा है या फिर एक्सटर्नली किसी गैस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो प्रेशर पूरे गैसेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हमने इस गैस पर प्रेशर लगाया तो इस मॉलिक्यूल पर प्रेशर कुछ और होगा और इस मॉलिक्यूल पर प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है. जो भी हम प्रेशर लगाते हैं that pressure will be distributed equally in all direction by the gaseous molecules. तो gaseous molecules में जो प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो हमने अभी ये देखा दैट gases having high compressibility due to very high intermolecular space and they having they exert pressure in all direction equally. और वो क्या करते हैं, gases pressure exert करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के होते हैं वो कोलाइड करते हैं वॉल्स पे, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ गैस, एंड दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैसेस इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो अभी तक हमने चार प्रॉपर्टी देख ली गैसेस की, दैट गैसेस डू नॉट हैविंग द फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. फिर हमने देखा दैट गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट. उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा दैट गैसेस इवनली मिक्स completely in all direction without use of any mechanical aid. Gases बहुत ही आसानी से mix हो जाते हैं. फिर हमने देखा that their density is lower than the solid and liquid. और फिर अभी हमने देखा that they are highly compressible and they exert pressure equally in all direction. Next अब हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब अगर हमें gases का nature study करना है तो गैसेस का नेचर स्टडी करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल गैस को कंसिडर किया है, सो दैट हम उसकी स्टडी करें और उसकी स्टडी करके बाकी जो भी गैसेस हैं उसकी प्रॉपर्टी हम उस एक गैस से रिलेट करके एक्सप्लेन कर पाए. जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फील्ड में एक आइडियल कंडीशन को हम लोग मान के चलते हैं और उस आइडियल कंडीशन से कंपेयर करके कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम लोग काम करते हैं. तो वैसे ही अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस को, गैसेस की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस. अभी आइडियल गैस क्या, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसके पास कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज दो थ्योरी से हमें पता चलता है. एक तो हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करता है, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, और दूसरा उस गैस का बिहेवियर, उस आइडियल गैस का बिहेवियर हमें कौन एक्सप्लेन करता है, तो वो एक्सप्लेन करता है गैसेस लॉज. तो आइडियल गैस क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन which is explained by kinetic molecular theory of gases and the behavior of ideal gas is explained by gases laws. तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब अगर हमें ideal gas जानना है, मतलब एक गैस के बारे में अगर हमें जानना है
तो उसके एजम्पन्स को पढ़ने पड़ेंगे कि आइडियल गैस की कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या एजम्पन्स हैं, वो एजम्पन्स हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में, और आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसा बिहेव करेगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस लॉज में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो ये क्या है, दीज आर द पोस्टुलेट, दीज आर द एजम्पन गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आइडियल गैस। आइडियल गैस को एक्सप्लेन करने के लिए सर्टेन एजम्पन्स दिए गए हैं, किसमें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, इसके सारे पोस्टुलेट जितने भी हैं ये आइडियल गैस के बारे में हमें बताते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखिए, हमें क्या कहते हैं, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। अब गैसेस किससे मिलकर बना होता है, तो गैसेस बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम कोई भी गैस देखेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे बैकग्राउंड में आप देखिए ये गैस है, तो गैस में ये जो व्हाइट कलर के एटम्स दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के स्फेरिकल एटम्स दिख रहे हैं, ये क्या है, तीनों पार्टिकल सब सेम तरीके के हैं और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो गैसेस किससे मिलकर बने होते हैं, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं गैसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेगलिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। अब हम जब गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैस की वॉल्यूम की बात करें, तो गैस में देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो अगर हम वॉल्यूम निकालें गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, तो गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स आएगा, जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार चार मॉलिक्यूल्स हैं, इन चारों मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालें और सम कर लें, और फिर बाकी हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस है उसका वॉल्यूम निकालें, तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो मॉलिक्यूल्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, दैट इज नेगलिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए गैस के बीच बहुत सारा स्पेस है, अगर इस स्पेस का वॉल्यूम निकालें और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालें, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम निकालेंगे और स्पेस का वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेगलिजिबल है, वो बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेगलिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट एजम्पशन देखते हैं, गैसेस कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। मतलब गैसेस को हम जितना भी स्पेस देंगे वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था दैट गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट। जिस कंटेनर में हम लोग गैसेस को रखेंगे, गैसेस उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना भी अवेलेबल स्पेस है गैसेस के मॉलिक्यूल उसको ऑक्यूपाई करते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे रहना प्रेफर करते हैं, तो जो भी हम उनको स्पेस प्रोवाइड करेंगे गैस के मॉलिक्यूल उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, दिस मीन्स दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उनके पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आइडियल गैस का एजम्पशन माने, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, और यही रीजन है कि एक अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है तो वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जा सकते हैं, जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब पार्टिकल्स होंगे गैस के, उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए हम दो मॉलिक्यूल ही लेते हैं गैस का, तो ये दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस बॉक्स में मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ये कॉर्नर वाला डायगोनल डिस्टेंस ही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो किसी भी कंटेनर में या किसी भी जगह पे अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल्स
को अगर स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाएंगे, जितना भी स्पेस है ना वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं होगा। अगर फोर्स होता तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल ट्रेवल करते, उसके बाद ये ट्रेवल नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये सारा अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दिस शोज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस डू नॉट हैव एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि इनमें डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फ्री मोशन शो कर सकते हैं। तो इसी वजह से जितने भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सब कॉन्स्टेंटली रेंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं। तो हमने क्या देखा? दैट गैस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस टू देम, दैट मींस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और फिर नेक्स्ट हम लोग फोर पॉइंट क्या देख रहे हैं? द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम कॉन्स्टेंट मोशन। मतलब गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब रैंडमली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। तो व्हाट आर द नेक्स्ट पोस्टुलेट? सो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन, प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय द गैस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्या है कि जब गैसेस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करेंगे तो ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे ये हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स का रैंडम मोशन हो रहा है, जितने भी गैस के पार्टिकल्स है सब रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। एंड ड्यू टू रैंडम मोशन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि जिस भी कंटेनर रहेंगे उसके वॉल्स से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। एंड ड्यू टू दिस कोलिजन दैट कोलिजन एग्जर्ट अ सर्टेन फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो गैसेस क्या करते हैं? गैसेस ड्यू टू देयर रैंडम कॉन्स्टेंट मोशन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड हेंस एग्जर्ट अ गैस एग्जर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड दैट इज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो प्रेशर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल का जो आपस में कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब? ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब जितनी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पहले होगी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं क्या? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे जीरो था वेलोसिटी, इसका वी वेलोसिटी था, वी वेलोसिटी से आगे इसको कोलाइड करेगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी। मतलब पूरी तरीके से इसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, कंजर्व होगा। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलते हैं क्या? इलास्टिक कोलिजन। मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है। जिस भी वेलोसिटी से कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेगा वो क्या करेगा? वो उस चीज को कंजर्व करेगा, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेगा। तो हमें इलास्टिक कोलिजन से ये जानना है, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कंजर्व हो, जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। सो देयर मे बी ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने देख लिया लास्ट दो पोस्टुलेट देख लेते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? At a particular temperature, the distribution of speed between the gaseous particles remain constant. मतलब एक constant temperature पे जो भी speed का distribution होगा, molecules का speed होगा, gas के molecules का जो speed होगा वो constant रहेगा। ठीक है, मतलब जो speed है gas के molecules की motion का speed, that depends upon the temperature। मतलब
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस पार्टिकल का स्पीड कितना है, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो स्पीड होगा वो कम होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो गैसेस की जो स्पीड है वो बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने अभी देखा कि जो गैसेस स्पीड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट रहेगा, और जाहिर सी बात है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उनका स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका स्पीड भी बढ़ेगा। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गिव्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस की किसका किस पे डिपेंड करके, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। सो दिस वाज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या है, ये हमें वो एजम्पशंस देती है जिसकी वजह से हम लोग आइडियल गैस को डिफाइन कर पाते हैं। तो ये सारी एजम्पशन है आइडियल गैस के लिए जो हमने आज के लेक्चर में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने भी गैसेस लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।